हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद आईएएस में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपकी जो यूनिवर्सिटी परीक्षाएं हैं वो 7 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसके लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफिशियल एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल एग्ज़ाम स्कीम जारी कर दी है। आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। समाजवादी छात्र सभा के समर्थकों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में होने वाली वार्षिक परीक्षा के विरोध में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। जी हां दोस्तों, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और यहां पर आप देख सकते होंगे एलयू परीक्षा के विरोध में छात्र सभा का प्रदर्शन। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई में कंडक्ट की जाएं, तो ऐसे में फिलहाल क्या है पूरी न्यूज चली जानते हैं यहां पर विस्तार से। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज है वो आपको समय पर मिलती रहे। इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं के विरोध में सोमवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले छात्र गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इन्हें पुलिस ने रोका तो खूब हंगामा हुआ। धक्का मुक्की के बीच पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 7 जुलाई से शुरू हो रही हैं। इसके लिए मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूँ। गवर्नमेंट के निर्देश पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। इसे लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों छात्र सभा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परीक्षाएं टालने की मांग की थी। इनका कहना है कि छात्रों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी गंभीर परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं ना कराई जाएं, तभी ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि यदि कोई भी स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स की वाट लग सकती है। साथ ही छात्रावास और कॉलेज की फीस माफ़ की जाए। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में सोमवार को कई छात्र गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करने पहुंचे। छात्रों की बढ़ती भीड़ देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद भी छात्र नेता अड़े रहे तो पुलिस ने सभी को जबरन धरने से उठाया और गिरफ्तार करके बस में ले गई। यहाँ पर आप देख सकते होंगे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनके जो यहाँ पर विचार हैं उन्हें प्रदर्शित नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस की मनमानी की जा रही है। परीक्षाओं को जुलाई में कंडक्ट किया जा रहा है। इस टाइप से उत्तर प्रदेश में कई सारी अनियमितताएं देखने के लिए मिल रही हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को इस पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि जुलाई में जो परीक्षाएँ हैं वो आयोजित नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अदर कई सारे स्टेट्स में स्टूडेंट्स को विदाउट एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया गया है, जैसे कि मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर हरियाणा स्टेट ने भी अपने समस्त कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पर विदाउट एग्ज़ाम के प्रमोशन दे दिया। उत्तर प्रदेश में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज है वो आपको समय पर मिलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।